गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 5 के कंप्यूटर का पहला दिन पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कंप्यूटर के बारे में भली भांति जानते हैं, आप अपने क्षेत्र में हर जगह देखते हैं। अब शायद ही ऐसा कोई घर हो या फिर ऐसे कोई व्यक्ति हो जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता हो। इस बात को आप लोग जान रहे हैं कंप्यूटर क्या है, पहले तो आप लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, और नहीं जान रहे तो फिर रिपीटेशन करते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इसको ब्रेन भी कहा जाता है, एक तरह से इसको ब्रेन कहा गया है। यानी कि मानव का ब्रेन जितना काम करता है उतना ही कंप्यूटर कम उससे ज़्यादा काम कर लेता है। आजकल आप हर जगह, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जहां आप कंप्यूटर नहीं देखते होंगे। जैसे आपके गाँव में कोई दुकान होगा, प्रिंट आउट रिजल्ट वगैरह देखते हैं, कोई टिकट बनाते हैं, कोई ऑनलाइन करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो तैयार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूवी तैयार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब शादी का जो वीडियो होता है उसको मिक्सिंग करते हैं, रेलवे स्टेशन पर टिकट का काम होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट का डाटा एंट्री होता है, कहीं देखे हुए मेडिकल शॉप में उसका डाटा यानी मेडिसिन का एंट्री होता है, दवा का जो एंट्री करता है कितना आया कितना गया कितना सेल हुआ, फैक्ट्री में देखते होइएगा। यानी कि शायद ही ऐसा कोई सेक्टर हो जहां आप कंप्यूटर ना देखते होइएगा। आप लोग अपने विद्यालय में देखते हैं कि कंप्यूटर अलग से क्लास कराई जाती है, कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस क्या है, कंप्यूटर से हम क्या क्या जानते हैं। तो जैसे हम किताब छपा हुआ पढ़ते हैं, उसके बारे में जानना है कि हमको वो किताब छपा हुआ जो है वो कहाँ से उपलब्ध होता है, कैसे वो वैसा बनता है, तो भी मेरा जो है कंप्यूटर से ही प्रिंटिंग होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से ही प्रिंटिंग होता है। जो ऐसे आप कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर का सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये पेज देख रहे हैं, ये भी टाइपिंग कंप्यूटर से ही होता है। यानी कंप्यूटर जो है आने के बाद मनुष्य का जो है वर्कलोड घट गया है। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर के बारे में जानिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास। थिंकिंग ब्लॉग देख रहे हैं इधर, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस, पुराने कैलकुलेटिंग डिवाइस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कई जनरेशन है। देखिए अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कंप्यूटर इज एन मशीन यूज फॉर कैलकुलेटिंग और एक कंप्यूटेशन, बट एक्चुअली इट इज मच मोर देन दैट। यानी कि कंप्यूटर जो है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको मशीन के रूप में उपयोग करते, कैलकुलेशन करते हैं या कोई कंप्यूटरिंग काम करते हैं, बहुत से कामों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी हम जस्ट बताए हैं, कोई वीडियो देखने के लिए उपयोग करते हैं, तो कोई पढ़ाई करने के लिए उपयोग करते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए उपयोग करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन करने के लिए उपयोग करते हैं, कोई टिकट वगैरह काटने के लिए उपयोग करते हैं। प्रेसिसली कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल मैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन उसको ऑपरेट करता है। वी आर लिविंग इन द कंप्यूटर एज टूडे एंड मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज कैन नॉट बी कम्प्लीस्ड विदाउट यूजिंग कंप्यूटर्स, समटाइम्स नोइंग एंड समटाइम्स अनोइंगली वी यूज कंप्यूटर्स। यानी आजकल जो हम देख रहे हैं अभी के दौर में, कंप्यूटर से ऐसा कोई भी काम ना हो जो कंप्यूटर के बिना होता हो, शायद ही ऐसे कुछ काम बच गया हो जो कंप्यूटर के बिना संभव हो पाता है। यानी कि हर काम को कंप्यूटर से किया जा रहा है। कंप्यूटर हैज़ बिकम एंड इंडिपेंडेंसेबल एंड मल्टीपर्पोज टूल, इसमें कई टूल्स भी होते हैं, कई टूल का कई उपयोग भी होते हैं, टू फुल्ली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द इम्पैक्ट कंप्यूटर हैव इन आवर लाइव्स एंड प्रोमिसेस दे होल्ड फॉर द फ्यूचर, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दियर एवोल्यूशन। यानी एवोल्यूशन देख रहे हैं आप लोग, एवोल्यूशन समझते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम के बाद जो कॉपी चेक होता है उसको अच्छी ढंग से चेक होता है। आजकल जो है कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव आप लोग का एग्ज़ाम होता है, या मैट्रिक इंटर ये सब का एग्ज़ाम जो होता है ऑब्जेक्टिव का, अलग OMR शीट पर होता है। ठीक है, और उसी उस OMR शीट को कंप्यूटर के द्वारा ही चेक किया जाता है। ठीक है, आप लोग आज के लिए बस इतना ही पर स्टॉप करते हैं, अगले दिन अगला वीडियो चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।